गाइस, तो आ गया। चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। एक न्यू शो, भाई जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शो पर शो आ ही रहे हैं। उसी बीच एक न्यू शो फिर दे रहा है स्टार प्लस पर, जिसका नाम है गुम है किसी के प्यार में। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा, यानी कि उसकी फुल स्टोरी आखिर शो में दिखाया क्या जाएगा, किस पे बेस्ड है स्टोरी और कौन कौन है स्टार कास्ट। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, ये शो 5 अक्टूबर से रिलीज होने वाला है, यानी कि 5 अक्टूबर को इसका फर्स्ट एपिसोड आएगा। और अब बात करते हैं स्टार कास्ट के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है मेन लीड एक्ट्रेस का, तो एक्ट्रेस यानी फीमेल रोल निभाने वाली हैं ऐश्वर्या शर्मा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐश्वर्या शर्मा को आपने पहले भी कई टीवी शोज में देखा होगा। सो ऐश्वर्या शर्मा यहाँ मेन लीड एक्ट्रेस में आपको नजर आएंगी। और अब बात करते हैं मेन लीड एक्टर के बारे में। तो मेन लीड एक्टर जो हैं, जिन्हें आप बहुत पहले भी जानते होंगे, जिनका नाम है नील भट्ट। तो वहीं साइड फीमेल रोल निभाने वाली हैं आयशा सिंह, जो कि इससे पहले भी कई टीवी शोज कर चुकी हैं। अब आपको बता दें अदर स्टार कास्ट के बारे में। तो उनमें नाम आता है सबसे पहले मिताली नाग का, दूसरा नाम आता है किशोरी शहाने का। इसके अलावा आपको अतिश वैद्य भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको संजय नार्वेकर भी नजर आएंगे, जो इससे पहले कई मूवीज में काम कर चुके हैं, और यहाँ पर वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपको इस शो में शैलेश दत्तर भी दिखाई देंगे, जो इससे पहले बाबा सरोवर ढूंढो जैसे शोज में नजर आ चुके हैं। शीतल मौलिक, जी हाँ, इस शोज में आपको शीतल मौलिक भी नजर आएंगी। इसके अलावा स्टार कास्ट में आपको कई जूनियर आर्टिस्ट नजर आएंगे। चलिए बात हो गई स्टार कास्ट की, और अब बात कर लेते हैं आखिर स्टोरी किस चीज पर बेस्ड है, किस पर स्टोरी दिखाई जाएगी, क्या है मामला। तो चलिए बात करते हैं। इस शो में नील भट्ट एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसका नाम है विराट चौहान। तो विराट चौहान सिर्फ और सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम है पाखी, यानी कि ऐश्वर्या शर्मा, और वो उसी से शादी करता है। लेकिन कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि नील भट्ट यानी कि विराट चौहान के सर ने उनसे एक वचन ले लिया कि वो उसके उनके जाने के बाद उसकी बेटी का ख्याल रखेंगे। और होता कुछ यूं है कि उसके सर शहीद हो जाते हैं। फिर क्या था, विराट चौहान यानी कि नील भट्ट को अपने दिए हुए बात पर अमल करना होता है। उसे वो वादा याद आता है, और वो ना चाहते हुए भी अपने सर की बेटी का ख्याल रखता है, उसकी छोटी जरूरत को पूरा करता है। जिस बीच आती है उसकी पत्नी और उसका प्यार। देखना यह है कि आखिर दोनों के बीच में रहते हुए वो कैसे अपने वादे को भाता है और कैसे पत्नी को खुश रखता है। खैर, ये सास बहू वाला ड्रामा नहीं है, जिसे कि आप स्टोरी से देखकर पता लगा सकते हैं। ये लव ट्रायंगल है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।